हम अपने किचन में काफ़ी तरह के चीज़ यूज़ करते हैं, लाइक पार्मेजन, फेटा, चेडर, बुराटा, मेंथल, स्मोक, ब्री, गौडा एक्सेट्रा। हमें यह भी पता है चीज़ एक डेयरी प्रोडक्ट है, चीज़ में कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, चीज़ विटामिन का भी अच्छा स्रोत है। बट आपने कभी ये सोचा है चीज़ कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ सैफ राम, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। एज यू नो, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ चीज़। ओके, वैसे तो दुनिया में 400 से ज़्यादा प्रकार के चीज़ हैं, बट आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ चीज़ के बारे में। चीज़ कितने कैटेगरीज में क्लासिफाइड है और वो क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइव कैटेगरीज। चीज़ फाइव कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है फ्रेश चीज़। सो ये जो फ्रेश चीज़ का कैटेगरी है, जो भी चीज़ इस कैटेगरी में आता है उस चीज़ को कभी प्रेस्ड और एज नहीं किया जाता है। अगर उसका टेक्सचर ग्रेनी है तो वो आता है फ्रेश और कर्टेल चीज़ के कैटेगरी में। अगर उसका टेक्सचर क्रीमी है तो वो आता है क्रीम चीज़ के कैटेगरी में। ओके, फॉर एग्जाम्पल फेटा चीज़, ओरिजिन फ्रॉम ग्रीस, जिसका सोर्स ऑफ मिल्क है गॉट और सीप। फ्रेश मोजरेला, ओरिजिन फ्रॉम इटली, सोर्स ऑफ मिल्क है इसका वाटर बफेलो। रिकोटा चीज़, ये भी इटली से है और इसका सोर्स ऑफ मिल्क है सीप। पनीर, ओरिजिन फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सोर्स ऑफ मिल्क है इसका बफेलो। सो ये जितने भी फ्रेश चीज़ है, इसको बनाने के बाद में अगर आप 2 से 3 दिन के अंदर कंज्यूम करते हो तो वो आता है फ्रेश चीज़ के कैटेगरी में। अगर आप इसको बनाने के बाद पैक यानी कि एज्ड करते हो तो वो आता है सॉफ्ट चीज़ के कैटेगरीज में। सेकंड है सॉफ्ट चीज़। सो जो भी चीज़ इस कैटेगरी में आता है उसका टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है। इसमें वाटर कंटेंट होता है 50-60% और इसमें फैट कंटेंट होता है 20-26% और इसका एजिंग टाइम होता है 2-4 वीक्स। फॉर एग्जाम्पल ब्री चीज, ओरिजिन फ्रॉम फ्रांस, सोर्स ऑफ मिल्क है इसका काओ। बुराटा चीज, पैलेस ऑफ ओरिजिन इटली, सोर्स ऑफ मिल्क है इसका काओ। कैमेम्बरेट चीज, ओरिजिन फ्रॉम फ्रांस, इसका भी सोर्स ऑफ मिल्क है काओ। गोरगोंजोला चीज, पैलेस ऑफ ओरिजिन इटली, सोर्स ऑफ मिल्क है काओ। ये जो गोरगोंजोला चीज होता है ये ब्लू चीज के कैटेगरीज में भी आता है, जो हम बाद में बात करेंगे। ओके, थर्ड है सेमी हार्ड चीज। ये जो सेमी हार्ड चीज़ होता है इसका एज सॉफ्ट चीज़ से ज़्यादा होता है और ये चीज़ हार्ड होने के कारण इसको सॉफ्ट चीज़ की तरह स्पेयर नहीं किया जा सकता और इसको ज़्यादातर चीज़ प्लाटर और बेकिंग डिशेज के लिए यूज किया जाता है, लाइक पिज्ज़ा, लजानिया, मुसाका एक्सेट्रा। और इसका एजिंग टाइम होता है 1-6 मंथ। फॉर एग्जाम्पल गौडा चीज़, ओरिजिन फ्रॉम नेदरलैंड्स, सोर्स ऑफ मिल्क है काओ। मेंथल चीज़, ओरिजिन फ्रॉम स्विट्जरलैंड, सोर्स ऑफ मिल्क है डेयरी कैटल। एडाम चीज, ओरिजिन फ्रॉम नेदरलैंड्स, सोर्स ऑफ मिल्क है काओ। गुरीरी चीज, ओरिजिन फ्रॉम स्विट्जरलैंड, सोर्स ऑफ मिल्क है डेयरी कैटल। ओके, फोर्थ है हार्ड चीज। जब भी हार्ड चीज बनाया जाता है कॉर्ड्स को स्मॉल साइज में कट करके इसका ज्यादा से ज्यादा वाटर कंटेंट रिमूव किया जाता है और इसका मॉइस्चर कंटेंट कम से कम किया जाता है। उसके बाद में दिया जाता है इसको शेप और इसका एजिंग प्रोसेस से पहले इसको प्लास्टिक रैप में रैप किया जाता है क्योंकि इसका एजिंग टाइम काफी लंबा होता है। इसमें फंगस न लगे इसलिए इसको प्लास्टिक रैप में रैप किया जाता है और इसका एजिंग टाइम होता है मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक। फॉर एग्जाम्पल एशियागो चीज, ओरिजिन फ्रॉम इटली, सोर्स ऑफ मिल्क है काओ। पार्मेजानो चीज, ओरिजिन फ्रॉम इटली, सोर्स ऑफ मिल्क है डेयरी कैटल। मैंचेगो चीज, ओरिजिन फ्रॉम फ्रांस, सोर्स ऑफ मिल्क है सीप। पेकोरिनो रोमानो, ओरिजिन फ्रॉम इटली, सोर्स ऑफ मिल्क है इसका सीप। फाइव है ब्लू चीज। ब्लू चीज एक सेमी सॉफ्ट चीज है। इसका फ्लेवर शार्प एंड सॉल्टी होता है। जब भी ब्लू चीज बनाया जाता है इसमें एक पेनिसिलियम नाम का एडिबल फंगस डाला जाता है जो ग्रीन और ब्लू कलर का स्पॉट देता है। अगर हम ब्लू चीज में देखते हैं तो उसमें ग्रीन और ब्लू कलर का स्पॉट होता है, वो आता है पेनिसिलियम नाम का एडिबल फंगस से। ओके, ब्लू चीज को प्रेस नहीं किया जाता और इसको कुक भी नहीं किया जाता। ओके, फॉर एग्जाम्पल गोरगोंजोला चीज, स्टिल्टोन चीज, ओरिजिन फ्रॉम इंग्लैंड, सोर्स ऑफ मिल्क है डेयरी कैटल। रोकीफ्रो चीज, ओरिजिन फ्रॉम फ्रांस और सोर्स ऑफ मिल्क है सीप। ओके, दीज आर द 5 कैटेगरीज ऑफ चीज एंड देयर एग्जाम्पल्स। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।